नमस्कार दोस्तों, फील हो सब नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पपाया पेड़ को अच्छे से रखना चाहते हो, पपाया की ग्रोथ अच्छा होना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पपाया लेना चाहते हो, पपीता लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप कुछ उपाय करें दोस्तों, तो आपका भी पपाया का जो प्लांट है अच्छी हेल्दी ग्रोथ होगा और साथ ही साथ पपीता भी बहुत अच्छा फल आएंगे, बहुत संख्या में आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जब आप पपीता का प्लांट या बीज लगाते हो तो छोटा में आप देखना पत्तियां सिकुड़ने लगती है या मिली बैग का अटक हो जाता है। मिली बग जो होती है वो लगभग सभी फ्रूट्स या फूलों में, फूल वाले जो प्लांट होते हैं उसमें लग जाते हैं। और मिली बग जिस प्लांट्स में लग जाते हैं वो प्लांट लगभग लगभग सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आप शुरुआत में ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप जो पपीते का प्लांट है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ये मिली बग का ही अटैक है, तो सबसे पहले आप देखना कि ज़रा सा भी मिली बग कभी भी लगी हो तुरंत उसको डाली को, जो डंडी है उसको उखाड़ के फेंक देना है, दूर फेंक देना है, क्योंकि मिली बग दोबारा अटैक कर लेती है, तो उसको बहुत दूर फेंक देना है। साथ ही साथ जो पत्तियाँ सिकुड़ जाती है तो उसका ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ना हो, ज़्यादा कम पानी ना हो। साथ ही पेड़ के जो पपीते के जड़ों के नीचे चींटियाँ और कीड़े घर बना लेते हैं, उस वजह से भी होता है, तो उसका भी ध्यान रखें। और जो काऊ डंग के खाद के रूप में काऊ डंग डालें या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहता है। और ये जो आप देख रहे हो ये दूसरा है जो अक्सर फलों में होता है, जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। और अक्सर आप फल देखे होंगे तो उसमें छेद छेद से आप ऐसे डॉट डॉट सा बना होता है दाग सा, वो ये फ्रूट फ्लाई ही करती है। फ्रूट फ्लाई फलों में अंडे दे देती है। तो इसको भगाने के लिए या मिली बग को भगाने के लिए दोस्तों नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नीम ऑयल बेहतर होता है। साथ ही साथ आप 1 लीटर पानी में सरफ का और थोड़ा सा खाने वाला सोडा और आधा चम्मच सरफ घोल के भी छिड़काव कर सकते हो। ये देसी कुछ उपाय है। और तीसरी उपाय है, 1 लीटर पानी में आप जो किरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, उसको भी 4-5 बूंद आप डाल के उसका छिड़काव कर सकते हो। अगर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा है, तब आप केमिकल वाला यूज कर सकते हो। अगर शॉप पे जाओगे बोलोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन केमिकल वाला तभी आप इस्तेमाल करना जब आपको 15-20 दिन बाद ही फल यूज करना हो, 1 महीने बाद फल यूज करना हो, तब आप करना। ये देखिए मैंने पपीता तोड़ा है, आज इसकी मैं सब्जी बनाऊँगी। मेरे में भी मिली बग लग गए थे, लेकिन मैंने इन दवा का छिड़काव किया तो बहुत अच्छा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, इन उपायों को करके आप मिली बग के अटैक से और फ्रूट फ्लाई के अटैक से अपने प्लांट्स को बचा सकते हो, फ्रूट्स की अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। फ्रूट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए काऊ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट आप यूज कर सकते हो। और जड़ों में भी आप नीम ऑयल जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि चींटियाँ मिली बग को बढ़ाने में बहुत कारगर होती हैं। और साथ ही साथ आप एक बार ऐसे भी आप नीम ऑयल का या फिर जो किरोसिन ऑयल है, किरोसिन मतलब है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो हल्का सा, क्योंकि हल्की हल्की जो मिलीबग होती है दिखती नहीं है, बाद में फैलाव ज़्यादा हो जाता है। केमिकल का इस्तेमाल आप अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तब आप केमिकल का इस्तेमाल करें, और जब ही करें जब आपको फल को यूज करना है 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद, तभी आप केमिकल का इस्तेमाल करें दोस्तों। तो इन उपायों से आप अपने प्लांट्स को मिलीबग और फ्रूट फ्लाई के अटैक से बचा सकते हैं दोस्तों। और ये कैसे बनाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल ये तरीके आप अपना के देखें, आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी। और मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट्स की जानकारियों के साथ और कुछ नए उपायों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।